यूं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको कई अभिनेत्रियां मिल जाएंगी जो अपनी खूबसूरती और अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं, पर कपूर खानदान की इकलौती और गॉर्जियस बेटी करिश्मा कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिनी जाती रही हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपनी अदाओं से बल्कि अपने एक्टिंग हुनर से भी लाखों करोड़ों दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई है। उन्होंने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्मों से नवाजा है, जिनमें इन्होंने हर फिल्म में कुछ नया और अलग करने की कोशिश की है। जहां करिश्मा की कई फिल्में ऐसी भी रही जिनमें उन्होंने काफी बोल्ड और सेंसुअल सीन्स भी दिए हैं, और इन सब से भी करिश्मा कपूर अपने हॉट अंदाज के लिए जानी जाती हैं। लेकिन आज हम आपको करिश्मा कपूर की उन फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जिन फिल्मों में करिश्मा कपूर ने अपने बोल्ड और हॉट अंदाज से हर किसी को हैरान कर दिया, जहां उन्होंने अपने साथ अपने कपूर खानदान का नाम भी डुबो दिया, जिसकी वजह से कपूर खानदान को कई बार शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर करिश्मा कपूर की वो कौन सी फिल्में थीं जिन फिल्मों के कारण कपूर खानदान को सरेआम शर्मिंदा होना पड़ा। साल 2006 में आई मूवी मेरे जीवन साथी में करिश्मा कपूर अक्षय कुमार के साथ नजर आई थीं। इस फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, लेकिन उससे भी ज्यादा करिश्मा कपूर को तारीफें मिली थी, और उसकी वजह थी फिल्म में अक्षय कुमार के साथ उनके इंटीमेट सीन्स, जिसको लेकर इस फिल्म में करिश्मा ने अक्षय कुमार के साथ इतने बोल्ड सीन्स दिए थे कि इन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया था। ऐसे सीन्स करने के दौरान करिश्मा को बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती थी, और करिश्मा ने उस समय फिल्मों में ऐसे सीन्स देने से भी मना नहीं किया था, जिसके बाद से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में करिश्मा कपूर अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाने लगी। लेकिन जहां एक तरफ करिश्मा कपूर को बॉलीवुड में इस फिल्म के बाद काफी तारीफें मिल रही थीं, तो वहीं कपूर खानदान की खूब बदनामी हो रही थी, क्योंकि कपूर खानदान की बेटी हमेशा ही अपनी सादगी वाले अंदाज के लिए जानी जाती रही थी। लेकिन अचानक ही इस फिल्म के दौरान उनके बोल्ड सीन ने कपूर खानदान की काफी बदनामी भी करवा दी। करिश्मा कपूर और आमिर खान स्टारर फिल्म राजा हिंदुस्तानी को भला कोई कैसे भूल सकता है, जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था, क्योंकि इस मूवी में आमिर खान और करिश्मा कपूर का किसिंग सीन लोगों को आज भी याद है, जिसमें करिश्मा कपूर और आमिर खान ने अपनी किसिंग सीन से बॉलीवुड पर्दे पर तहलका मचा दिया था। ये किसिंग सीन करिश्मा कपूर के करियर का पहला किसिंग सीन था, जिसे करिश्मा कपूर ने बेहद ही हॉट अंदाज में पर्दे पर उतारा था। इस किसिंग सीन को लेकर वो सुर्खियों में भी आ गई थी, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीन को फिल्माने से पहले करिश्मा कपूर ने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ को भी इस सीन के बारे में नहीं बताया कि वो इस फिल्म में किसिंग सीन करने जा रही हैं। पर जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की गई और इस फिल्म को देखने पूरी कपूर फैमिली थिएटर पहुंची, तो इस सीन को देखकर वो काफी हैरान रह गए। जहां करिश्मा कपूर से इस सीन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि इसके बारे में मैं किसी को भी बताऊं, जिस वजह से पूरे कपूर खानदान को सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ गया। यूं तो करिश्मा कपूर ने गोविंदा के साथ कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन पहली बार करिश्मा ने गोविंदा के साथ फिल्म दुलारा में किसिंग सीन दिया था। इस फिल्म में एक गाने के दौरान करिश्मा और गोविंदा ने बारिश में हॉट सीन शूट किया था, और उस दिन के बाद से ही गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री के फिल्मी पर्दे पर दर्शकों को काफी पसंद आने लगी थी। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस फिल्म में करिश्मा कपूर और गोविंदा के बीच इस सीन को लेकर उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा से पूछा गया कि आपको फिल्मों में अगर इंटीमेट सीन दिया जाता है तो आप किस अभिनेत्री के साथ ये सीन करना पसंद करेंगे,
जिस पर गोविंदा ने जवाब देते हुए कहा कि साल 1994 में आई फिल्म दुलारा के दौरान करिश्मा कपूर और मैंने एक इंटीमेट सीन दिया था और अब कभी दोबारा मौका मिले तो मैं करिश्मा कपूर के साथ ही ये सीन करना पसंद करूंगा। और उस समय करिश्मा कपूर शादीशुदा थी और जब ये बात उनके पति को पता लगी तो उन्होंने करिश्मा कपूर पर हाथ तक उठा दिया था, जहां करिश्मा कपूर के तलाक की एक बड़ी वजह गोविंदा का ये बयान भी माना जाता है। साल 1992 में आई फिल्म सपने साजन के, जिसमें करिश्मा कपूर और राहुल रॉय की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। वहीं इस फिल्म में राहुल रॉय और करिश्मा कपूर के एक गाने के दौरान एक इंटीमेट सीन था, जिसमें दोनों ही काफी हॉट और लव मेकिंग सीन्स देते नजर आए थे। इस फिल्म ने फिल्मी पर्दे पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म का गाना आ रहा है मजा में करिश्मा कपूर और राहुल रॉय इतने बोल्ड सीन देते हुए दिखे थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। इस फिल्म में इनके बोल्ड सीन ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी और फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। पर जहां एक तरफ करिश्मा अपनी इस फिल्म को लेकर तारीफें बटोर रही थी, तो वहीं कपूर खानदान के लिए इनकी ये फिल्म काफी कलंकित साबित हुई, जहां लोग इनकी इस फिल्म पर आलोचनाएं जता रहे थे। और करिश्मा कपूर के पिता का कहना था कि करिश्मा कपूर एक फिल्मी बैकग्राउंड से हैं और उन्हें इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, तो हमारे खानदान का नाम पूरी तरह से डूब चुका है। वेल, तो क्या आपने करिश्मा की इन फिल्मों को देखा है जिनमें करिश्मा कपूर काफी बोल्ड सीन देती नजर आई हैं? तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।